मैं तुझे एक बात बोलूं, तू बिल्कुल यकीन नहीं करेगा, मैं हमारे स्कूल न्यूज़पेपर का नया एडिटर बन गया। क्या? मैंने कहा था तू यकीन नहीं करेगा। हमारे स्कूल का एक न्यूज़पेपर है? हाँ, लाइब्रेरी के बाहर उसकी फ्री कॉपीज मिलती है। क्या हमारे स्कूल में एक लाइब्रेरी है? हाँ, मैथ्स क्लब के बाजू में। हमारे स्कूल में एक मैथ्स क्लब भी है? अभी वहां मत देख, वहां श्वेता खड़ी है, वो मुझे लाइक करती है। अरे बोलो मत देख। तूने तो मुझे उस दिन कहा था कि वो तुझे भाव भी नहीं देती। अरे लड़कियां ऐसे ही लाइक करती है। अरे बोलो ना मत देख। अब देख और कुछ सीख। ओ हाय श्वेता। हाय। यहाँ कैसे? मेरा लॉकर। ओ अच्छा अच्छा, मैं उसकी रखवाली कर रहा था। नहीं नहीं, थैंक यू की कोई जरूरत नहीं है। तुम अगर चाहो तो मेरे साथ डिनर और आइसक्रीम पे चल सकती हो। सॉरी पर मेरा गला खराब है। कोई बात नहीं, मैं एडजस्ट कर लूंगा, मैं तुम्हारा हिस्सा खा लूंगा। देखा, हंसी तो फंसी। तो सैटरडे नाइट डिनर पक्का? ठीक है, लेकिन मुझे चाइनीज से उल्टी आती है। तो मेरे प्यारे जर्नलिस्ट साथियों, अब इस स्कूल का भविष्य हमारे हाथ या फिर पेंसिल में है। यहाँ कोई भी सच्चा नहीं बच सकता, चाहे वो स्टूडेंट हो या टीचर। एक्सक्यूज मी बॉस। हाँ दीपश्री बोलो। बाय द वे, तुम मुझे जरूर बॉस बुला सकती हो। मुझे लगता है हमारा पहला इशू कैंटीन के समोसों पर होना चाहिए। आखिर क्या आलू इतने तीखे क्यों हैं? ताकि हमें कैंटीन की कोल्ड ड्रिंक पीनी पड़े? ये तो सरासर नाइंसाफी है। रिलैक्स दीपश्री, रिलैक्स। तुम्हारा यही गुस्सा तुम्हारी कहानी में दिखना चाहिए, ताकि लोग न्यूज़पेपर के रॉकेट बनाने से पहले उसे पढ़े। करण तू इधर क्या कर रहा है? मैं भी न्यूज़पेपर ज्वाइन करने आया हूँ। सॉरी करण, यहाँ कोई वैकेंसी नहीं है। देवश्री हमारी टॉप रिपोर्टर है, नुपुर जैसी अच्छी फोटोकॉपीज कोई नहीं निकाल सकता। चिंटू हमारा चीफ फोटोग्राफर है और पूजा और स्मिता हमारी हेल्थ और ब्यूटी स्टोरीज की इंचार्ज है। मैं हेल्थ के इंचार्ज हूँ, मगर मैं ब्यूटी नहीं हेल्थ के इंचार्ज बनना चाहती हूँ। मगर मैं तुम्हारे से ज्यादा हेल्दी हूँ। तुम्हारी हेल्थ और ब्यूटी के लिए यही अच्छा रहेगा कि तुम दोनों चुप हो जाओ। स्पोर्ट्स, मैं स्पोर्ट्स का इंचार्ज बन सकता हूँ। क्या मुझे किसी ने याद किया? चौका, छक्का, बाउंसिंग, ट्रिपलिंग, इन सब की विशेष टिप्पणी के लिए हाजिर है आपका अपना राजेश। मुझे तुझे कुछ कहना है। तू समझ नहीं रहा, अगर मैंने न्यूज़पेपर ज्वाइन नहीं किया तो मुझे स्कूल बैंड का हिस्सा बनना पड़ेगा। तो क्या हुआ? स्कूल बैंड में सिर्फ एक ही पोजीशन बाकी है, भोपू बजाने की। और श्वेता किसी भोपू बजाने वाले के साथ डिनर पे नहीं जाएगी। करण वो मेरी प्रॉब्लम नहीं है, मैं यहाँ न्यूज़पेपर चलाता हूँ, तेरी लव लाइफ नहीं। ठीक है, अगर तूने मुझे न्यूज़पेपर ज्वाइन नहीं करने दिया तो फिर मैं रात को डरावनी आवाजें बनाना बंद नहीं करूंगा। यानी कि रोज रात को वो बूढ़े बाबा की आवाज तू बनाता है? ठीक है ठीक है, हमारे न्यूज़पेपर में सिर्फ एक ही जॉब बाकी है, हमारा एडवाइस कॉलम किट पिट विद किरण। यानी मुझे लड़की बनना पड़ेगा? नहीं नहीं, लेखक गुमनाम है। ओ अच्छा। करण गुमनाम यानी किसी को पता नहीं चलेगा कि किरण कौन है। ओ ठीक है, मतलब मुझे गुमनाम का मतलब पहले से ही पता था। मुझे नहीं लगता कि तू ये कर पाएगा। क्या बात कर रही यार, मेरी एडवाइस तो हमेशा परफेक्ट रहती है। फॉर एग्जाम्पल, तू इस हेयरस्टाइल में घुचू दिख रहा है। एक चॉकलेट बार। एक मिनट, अभी। जंग बहादुर इसे खोल के दो। एक मिनट, अभी। रानी क्या हुआ? लगता है इसे किसी अभिषेक ने डिच किया है, सुबह से अभी अभी कर रही है। अगर तुम भी दो दिन से सोगी नहीं ना तो तुम भी ऐसी बिहेव करोगी। ओके, जब किसी को नींद नहीं आती है तब अक्सर उसके पीछे कोई कारण होता है, जरूर तुम्हें कोई बात अंदर से खा रही होगी। अच्छा जरा चेक करो। आ कभी कभी जब मेरे दिमाग में बहुत सारी बातें घूमती है ना तो मुझे नींद नहीं आती, ऐसा कुछ हो सकता है?
नहीं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ना मैं कुछ खा रही, ना मुझे कोई खा रहा है। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि मेरी नींद बंद हो गई है और अब मेरा कान बंद हो गया है। जो भी मैं चिल्लाना बंद करो। तो कॉलम कैसा चल रहा है मेरी प्यारी किरण? ये सब कितने बड़े ढक्कन है। इस नमूने की चिट्ठी सुन। प्रिय किरण, मुझे बहुत पसीना आता है, इसके कारण मैं लड़कियों से बात नहीं कर पाता। क्या करूं? लिखने वाले का नाम गीलेपन से परेशान प्राणी। डियर गीलू, अगली बार चिट्ठी पोस्ट करने से पहले सुखाने का कष्ट करना। यार, लोगों की फीलिंग्स का सवाल है, थोड़ी नाजुकता कोमलता दिखा। कोमलता और नाजुकता दिखाना मेरे बाएं हाथ का खेल है। नहीं! मेरे सिर पे एक और सफेद बाल। बधाई हो दादी माँ। ये बहुत कोमल था। अब नाजुकता दिखाता हूँ। डियर बदबूदार प्राणी, अगर तुम्हें अपना पसीना छुपाना हो तो स्विमिंग क्लासेस ज्वाइन कर लो, और फिर तुम सबसे कह पाओगे कि मैं स्विमिंग जाकर आया हूँ। वाह, ऐसी बकवास एडवाइस मैंने आज तक नहीं सुनी। बकवास? थोड़ी देर पहले तू मुझे कोमलता का भाषण दे रहा था। लाइट्स ऑफ। हेलो बिनी, मुझे नींद नहीं आ रही है, मैं क्या करूं? ओके, जो मैं कहूं वो करना, ठीक है? सबसे पहले फोन कट करो। ओके। बिनी, बिनी आई जा, काम नहीं कर रहा है। बिनी, मानसिंह स्पीकिंग, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? मानसिंह, मैं रानी बोल रही हूँ, मैं अपने कमरे में और मुझे नींद नहीं आ रही। रानी, सबसे पहले तो सर से लेके पांव तक रिलैक्स हो जाओ। हो गई। अब 100 की उल्टी गिनती शुरू करो। ओके, 100। रानी, 99। करो ना, तुम मैथ्स में ज्यादा अच्छे हो। ठीक है, 98, 97, 96, 95। मानसिंह, मानसिंह, 95 के बाद क्या आता है? मानसिंह, करण कोई भी तेरी बकवास एडवाइस नहीं सुनने वाला। ये सिर्फ पसीना है। एक्चुअली मैं अपने स्कूल के स्विमिंग टीम में हूँ, और अभी अभी मैं पूल के बस 10 लैप्स मार के आया हूँ। ओ वाओ, देखा, स्कूल के सबसे गोचू लड़के ने एक लड़की का दिल जीत लिया सिर्फ किरण, यानी कि करण की एडवाइस से। ठीक है ठीक है, राजेश का तो फायदा हो गया, लेकिन और किसी को भी तेरी बकवास एडवाइस पसंद नहीं आएगी। वाओ कबीर, किटपिट विद किरण की कॉलम मेरी फेवरेट है, और इसकी एडवाइस भी कितनी परफेक्ट है। मेरी भी फेवरेट कॉलम किटपिट विद किरण ही है। हम दोनों के आइडियाज कितने मिलते हैं ना, है ना कबीर? बिल्कुल नहीं।
कबीर तुझे श्वेता को बताना पड़ेगा कि किरण कौन है। कभी नहीं, वो गुमनाम है तो उसमें मेरा क्या फायदा। करण, अगर तूने श्वेता को कुछ भी बताया तो तू स्कूल बैंड में जिंदगी भर भोपू बजाता रहेगा। बिनी, बिनी, ये ओवरफ्लो हो रहा है। एक्चुअली मैं इतनी थक गई हूँ कि मुझमें रुकने की भी ताकत नहीं है। शानी मुझे पिछले 4 रातों से फोन करके जगा रही है। तुम्हें भी? हाँ। मैंने तो अपना फोन लाइन ही डिस्कनेक्ट कर दिया था। मैं कह रही हूँ उसे कोई मानसिक प्रॉब्लम है। इंसान का दिमाग बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। रानी जी, रानी जी, रानी जी, बहुत थक गई हूँ। ओ बेटे, ये देख, ये लेटर श्वेता ने लिखा है। देखते हैं वो किरण से क्या जानना चाहती है। तुझे कैसे पता कि ये लेटर श्वेता ने लिखा है? सच्चा प्यार सब जानता है। सच्चा प्यार? अरे यार, मैंने उसे लंच ब्रेक में ये एनवेलप न्यूज रूम में डालते हुए देख लिया था। चल पढ़ते। डियर किरण, स्कूल में एक लड़का है जिसे मैं लाइक करती हूँ, लेकिन वो दुनिया का नंबर 1 फ्लर्ट है और अपने सिवाय किसी की परवाह नहीं करता, लेकिन फनी और क्यूट भी है। तो अब तुम ही बताओ मैं क्या करूँ। दुनिया का नंबर 1 फ्लर्ट, अपने सिवाय किसी की परवाह नहीं करता, ये तो तू ही हो सकता है। तो अब समय आ गया है बच्चू श्वेता को करण के बारे में कुछ विशेष टिप्पणी देने का। ये तो क्या कर रहा है? बस देखते जा। डियर श्वेता, कभी कभी लड़के जो बाहर से होते हैं वो वैसे अंदर से नहीं होते हैं। वो फ्लर्ट करते हैं क्योंकि वो एक ऐसी लड़की को ढूंढ रहे होते हैं जो उनके अंदर की अच्छाई को जान सके। पर ये तो गलत है करण। क्यों? क्योंकि तुम उस लड़की का फायदा उठा रहे हो। तुम उसको किरण बनकर करण को लाइक करने के लिए कह रहे हो और ये तो चीटिंग है। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती एक लड़की को ऐसे धोखा देते हुए? हम दोनों में यही अंतर है मेरे भाई। तू जिसे चीटिंग कहता है मैं उसे चतुराई कहता हूँ। कबीर, कबीर, एक अच्छी खबर है। बहुत अच्छी खबर। फैंटास्टिक खबर एक्चुअली। जल्दी बताओ वरना कल के न्यूज़पेपर में तुम्हारे बारे में बुरी खबर होगी। प्रिंसिपल तुम्हें ढूंढ रही है। वो तुम्हारे न्यूज़पेपर से बहुत खुश है। सच्ची में? सच्ची? हाँ, वो कहती है कि तुमसे बेहतर एडिटर उन्हें कहीं नहीं दिखा। सच्ची? हाँ, उनका फेवरेट कॉलम किट-पिट-पिट किरण है। सच्ची? हाँ, वो तो सबका फेवरेट कॉलम है। और जो बच्चे न्यूज़पेपर से रॉकेट बनाते थे अब तो वो भी कॉलम पढ़ने लगे है। वाओ, कॉन्ग्रेचुलेशंस टीम, वेल डन। यार कबीर, ये खिटपिट विद किरण कॉलम मस्त है। लगता है किरण बिल्कुल मेरे टाइप की है। कबीर, तू किरण से मेरा इंट्रोडक्शन क्यों नहीं करा देता? मुझे नहीं लगता किरण तेरे टाइप की है। ओ समझा, तू चाहता है कि किरण बस तेरी दोस्त रहे। देखा, सब किरण यानी कि करण को कितना पसंद करते हैं। अब बस राजेश से बचना पड़ेगा। चल मैं तुझे कुछ दिखाता हूँ। मेरे कॉलम का असली टेस्ट अब होगा, देख। तुझे क्या लगता है वो तेरी एडवाइस मान लेगी? फ्लर्ट नंबर 1? क्या अपनी किस्मत आजमाओ, उसे मिल्कशेक के लिए बुलाओ। हाय करण। हाय श्वेता। क्या तुम मेरे साथ मिल्कशेक पीने चलोगे? श्वेता, तुम ये क्या कर रही हो? बस अपनी किस्मत आजमा रही हूँ।
मुझे लगा तुम मुझे फ्लर्ट समझती हो। समझती थी लेकिन अब मैं तुम्हारे अंदर की अच्छाई देख सकती हूँ। वैसे बहुत अच्छा हूँ। हाँ, इसमें क्या हो गया? कभी कभी इसका लॉकर अटक जाता है। मैं बिल्कुल इस चॉकलेट की तरह हूँ, अंदर से नरम और बाहर से एकदम कड़क। तुम्हारे साथ टाइम बिताने में कितना मजा आता है करण। मुझे भी। तुम कितने क्यूट और कितने फनी हो, ऐसा लगता है मैं तुम्हें कुछ भी बता सकती हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम मुझे अपने बेस्ट फ्रेंड की तरह ही समझ लो। बेस्ट फ्रेंड की तो बात ही मत करो। तुम्हारे पहले मेरा एक और फ्रेंड था, उसने 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 अरे बोलो। मैंने एक बार उसके लिए प्यार से ब्राउनीज बनाए, उसने कहा यम्मी, और फिर अपने दोस्तों के सामने उसका मजाक उड़ा रहा था। अरे जैसे स्वीट लड़की के साथ कोई ऐसा कैसे कर सकता है। मुझे इतना बुरा लगा कि मैंने ब्राउनीज खाना ही छोड़ दिया पूरे एक हफ्ते तक। मैं तुमसे कभी झूठ नहीं कहूंगा। सच? हाँ। लॉबी में क्या हो रहा है? करण, ये तो किटपिट विद किरण क्या है? ये तुम्हारे बैग में क्या कर रहे हैं? मैं तुमसे झूठ नहीं कह सकता। मैं सारे लेटर्स किरण को डिलीवर करने वाला हूँ, क्योंकि किरण दूर रहती है और उसके पैर में मोचाई है और वो टैक्सी के पैसे नहीं दे सकते हैं और उसके मम्मी डैडी फॉरेन गए हैं इसीलिए। करण? हाँ हाँ, मैं ही किरण हूँ। करण इज किरण एंड किरण इज करण। हाँ, इसका मतलब तुमने मुझे तुमसे दोस्ती करने की एडवाइस दी? हाँ, लेकिन एडवाइस अच्छी थी ना, देखो हम दोनों एक साथ कितने मजे कर रहे हैं। नहीं, मजा तो अब आएगा बच्चों। ये तुम क्या कर रही हो? तुमने मेरा लेटर पढ़ा और उसका फायदा उठाया। तुम सारे लड़के एक जैसे हो, मुझे कभी तुमसे नहीं मिलना। ये न्यूज़पेपर मेरे बस की बात नहीं है, मैं ये सब छोड़ रहा हूँ। क्या? क्यों? श्वेता को पता चल गया कि मैं ही किरण हूँ और वो मुझसे बात नहीं कर रही है। तो तू किसी और लड़की को बता लेना। ये वाली कैसे रहेगी, चुलबुली बुलबुल? नहीं, मैंने श्वेता के साथ बहुत गलत किया है और अब मैं किसी को एडवाइस देना नहीं चाहूंगा। तू अपने लिए कोई नई किरण ढूंढ ले। लेकिन कैसे, तेरे जैसा बदतमीज और खड़ूस मुझे मिलेगा कहाँ? चल चल, अब मक्खन लगाना बंद कर। एक बार मैंने अपने डिसीजंस ले लिए, फिर मैं खुद की भी नहीं सुनता। तू करेगा, तू किरण बनेगा। सेंट मेरीज एक्सप्रेस के बनने वालों को किरण चाहिए, वो किरण पे भरोसा करते हैं। तू उनको निराश नहीं कर सकता। मैं किरण बनूंगा, एक बार तो जरूर बनूंगा। ये किरण। और फिर जब रात होती है तो माँ अपने बच्चे को उठाती है और कहती है, सो जा बेटा। बहुत खूब, अब मुझे भी डाके मारे नींद नहीं आएगी। बहादुर, सॉरी सरदार। तुम लोग इसे अभी तक नहीं सुना पाए? कहानी सुनाने की कोशिश की। लोरी, गरम दूध, एक्सरसाइज। हाँ भाई, हाँ। हर मुमकिन कोशिश करके देख ली पर कोई असर नहीं हो रहा। एक काम कर सकते हैं, याद है छोटे बच्चों को कैसे सुलाते थे? धमकी देकर? नहीं, हमें रानी जी के बिस्तर को धीरे धीरे झुलाना होगा। ठीक है, ये कोशिश भी करके देख लेते हैं। रानी, अब तुम अपनी आंखें बंद करो और ये सोचो कि तुम एक बोट में ऊपर नीचे ऊपर। मुझे बोट में उल्टी आती है। रानी इतनी अमीर है कि उसके बिस्तर में से धूल की जगह हीरे निकलते हैं। मुझे लगता है कि बिस्तर में मुझे कुछ चुभ रहा था, इसीलिए मैं सो नहीं पा रही थी। कैसी बातें कर रही हो, तुम्हारा बिस्तर 2 फुट मोटा है, उसके नीचे छोटा सा ही। रानी को सुलाते सुलाते मैं बहुत थक गई हूँ। मैं भी।
मैं भी। अरे तो फिर जल्दी से चलो यहाँ से, उससे पहले कि ये दोबारा से उठ जाए। चलो। ये मेरे न्यूज़पेपर का किटपिट विद किरण कॉलम नहीं है। करण मुझे यकीन नहीं हो रहा, तूने मेरे पूरे कॉलम को श्वेता के लिए एक लंबा सा सॉरी नोट बना दिया और तूने सबको ये भी बता दिया कि किरण तू है। मैं इस झूठी जिंदगी से तंग आ गया था, किरण भी तंग आ गई थी। करण तू ये साफ साफ जानता है कि ये बात तेरे बारे में नहीं थी, ये इससे भी बड़ी बात है, ये मेरे बारे में था। मेरा मतलब इस न्यूज़पेपर के बारे में था। तू तो भड़क क्यों रहा है? किटपिट विद किरण के अलावा तेरे न्यूज़पेपर में बहुत कुछ था पढ़ने के लिए। कुछ भी नहीं है, सब लोग सिर्फ इसे पढ़ रहे थे, बाकी सब पेपर्स के तो रॉकेट बन रहे थे। हाय करण। अगर तुम मेरी धुलाई करने आई हो तो मुझे अपने भाई को आगे ले लें दो। नहीं नहीं, मैं तो तुम्हें थैंक यू बोलने आई हूँ तुम्हारे सॉरी के लिए। सबके सामने सच बोलना आसान नहीं। अगर तुम चाहते हो तो हम वो मिल्कशेक पीने चल सकते हैं। पता नहीं, मुझे सोचना पड़ेगा। हाँ जरूर। अरे क्या अपना लॉकर चेंज भी नहीं कर लेता? बाय करण। ये अच्छा है, पहले तो तूने मेरे न्यूज़पेपर का फायदा उठाया, फिर तूने उस लड़की को झूठ बोला, फिर मुझे बर्बाद किया, इस सब के बाद तू मिल्कशेक पीने जाएगा, अब मेरा क्या होगा? किरण तुझे एक एडवाइस देना चाहती है। डियर गोचू। करण जी रुक। हम आशा करते हैं कि राजमहल में आपका समय कुशल मंगल बीता होगा। आपको आपका बिल देता हूं। जी मानसिंह जी। मैडम का सामान उनकी गाड़ी तक छोड़ दो। जी। जंग बहादुर सामान छोड़ दो। जी मानसिंह जी। थैंक यू मैम। चोर डाकू, चोर डाकू, अरे पकड़ो उसे, जाने पकड़ो उसे, चोर, जाने चोर, 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 डाकू, चोर, डाकू।